दिवस के शुभ अवसर पर 19 जून को अघरदानी रक्तदान समिति द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन गोपालगंज जिले के मीरगंज शहर के मील रोड के प्राचीन अघरदानी धर्मशाला के प्रांगण में आयोजित किया गया था। शिविर का शुभारंभ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री सहथुआ विधानसभा के विधायक श्री राम सेवक सिंह, गोपालगंज सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह, डॉक्टर एसके झा, समाज सेवी मोतीलाल प्रसाद व गोपालगंज के समाज सेवी नन्हू जी प्रसाद ने दीप प्रज्वलित करके किया। साथ ही मंगलवार को लद्दाख में भारत व चीन की सेना में अचानक झड़प होने से 20 भारतीयों के शहीद होने पर 2 मिनट का मौन धारण भी किया गया। समिति के कोषाध्यक्ष श्री रासु वासु ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए संस्था द्वारा रक्तदान शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। आपका दान किया हुआ रक्त अस्पताल के ब्लड बैंक में रखा जाएगा, जो जरूरतमंदों को यहां से उपलब्ध कराया जाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि रक्त नालियों में बहाने के बजाय नाड़ियों में बहाने से ही मानवीयता के नए आयाम स्थापित हो सकेंगे। रक्तदान के प्रति फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। दुनिया की हर वस्तु का निर्माण फैक्ट्रियों में किया जा सकता है, लेकिन रक्त का निर्माण जीवित व्यक्ति के शरीर में ही हो सकता है। मुख्य अतिथिगण के हाथों रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वैश्विक महामारी के दौरान सरकार द्वारा तय मापदंडों का पालन करते हुए रक्तदान शिविर लगवाया गया। इस शिविर में लगभग 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्था के अध्यक्ष आनंद सोनी ने बताया कि संस्था निरंतर समाज सेवा के कार्य कर रही है, वो भविष्य में भी समाज सेवा के कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस राष्ट्रीय आपदा के समय सरकार और समाज का हर संभव सहयोग किया जाएगा। अघरदानी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे मुख्य अतिथि माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी के द्वारा शुभारंभ किया गया और इसमें लगभग अभी तक 51 यूनिट ब्लड डोनेट हो चुका है और अभी भी कार्यक्रम चल रहा है। लगभग 100 यूनिट ब्लड डोनेट करवाने का हम लोगों ने वीरा उठाया है, जो कि यहाँ के नगर के सभी लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। इस आयोजन के लिए मैं श्री विनोद व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने ये आयोजन करके कई लोगों की जिंदगी नई जिंदगी दी है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज़, गोपालगंज।